practices which happened in each provinces. Yes, certain incidences may. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग शुरू करेंगे लतीफ़ भाई। हाँ लतीफ़ भाई, आज का सीन क्या है? मुझे कुछ आज का सीन ये है कि हम लोग जा रहे हैं प्रेस क्लब। आज सिंधी कल्चर डे 5 दिसंबर। जी जी। तो हम लोगों ने सारे ने ड्रेसिंग दी हुई है, सिंधी ड्रेसिंग आप दिखा सकते हैं। हाँ, हाँ, बिल्कुल। ये अभी हम लोग आए हैं कचहरी रोड प्रेस क्लब पे क्वेटा के। तो यहाँ कुछ फंक्शन है, तो हमारे साथ है फयाज मरी जो सिंधी कल्चर डे में इजारे खरीदी कर रहे हैं। तो उससे अलावा लेते हैं किधर फंक्शन है, क्या सीन है आज का। तो वालेकुम भाई लोग। वालेकुम सलाम, आपको सिंधी कल्चर डे मुबारक हो। खैर मुबारक। सबसे पहले तो मैं अपने तमाम सिंधी भाइयों को सिंधी कल्चर डे की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। अभी जैसे कि आज का प्रोग्राम 5 दिसंबर को, सबसे पहले तो हम क्वेटा प्रेस क्लब के सामने आए हैं। ओके। वहाँ पे अभी देखते हैं क्या फंक्शन और क्या प्रोग्राम हो रहा है, उसके बाद इंशाल्लाह देखेंगे कहीं और जाना हुआ तो उधर भी जाएंगे। चलो अभी हमें हमारे दोस्त बुला रहे हैं तो चलते हैं। और ये है मिस्टर लतीफ़, ये तो सबसे कट्टर सिंधी है क्योंकि सिंधी है, और एक सिंधी ये है, हम तीनों यकजहती कर। एज़ यूजुअल हर फंक्शन के बाद जो है ना सब लड़ रहे होते हैं, मेरा तस्वीर मेरा तस्वीर मेरा तस्वीर, सबका तस्वीर लिया जा रहा है, सबको खुश किया जा रहा है। और आप लोग तो जानते हो मेरा बेटी खाने पीने की कोशिश में, मैं ढूंढ रहा हूँ खाने पीने का जगह की। चलो चलो चलते हैं। तो मुझे मायूसी हुआ कि भाई बोलता है ऊपर कुछ नहीं है, मैंने बोला शायद वैसे खाली पेट जाना होगा। नहीं, फिर एक बंदा ऊपर उधर पीछे से आवाज़ आता है, पीछे ग्राउंड में आओ उधर खाने का इंतजाम है। सबके कान ऐसे खड़े हो गए, आंख खुल गए, सब ने तस्वीरें मस्तें छोड़ दिए, चलो खाने पर टूट पड़ो। चाय दे रहे हैं, उसने बोला भाई आप आधा पियो, मैंने बोला नहीं मैं पूरा पीऊंगा, बोला ठीक है आप पूरा पी लो। शुक्रिया 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 मेरे भाइयों और दोस्तों, मुझे चाय मिल चुका है, मैं तो अपना चाय पी रहा हूँ मस्त। और मुझे इधर लोकेशन बहुत ही प्यारा लोकेशन मिल रहा है, मैं सोच रहा हूँ कि कुछ तस्वीरें लूँ इंस्टा के लिए, टिकटॉक, यूट्यूब, स्नैपचैट। ये बहुत अच्छा बंदा है, बहुत आवाज़ें मार रहा था, पता नहीं क्या था इसको। ये देखो ये सब मेरे दोस्त है, ये भी मेरे दोस्त है, खाने के टाइम पर बोलते नहीं हम आपको नहीं जानते, जाओ बुकते, बुकते। ये देखो बुक बुक, ये देखो भाई भाई कौन हो, भाई भी आप लोगों का दोस्त हूँ? नहीं हो, नहीं गजब बेइज्जती है। ये अभी मेरा तीसरा कप है चाय का, मैं टका रहा हूँ, मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। अभी मैं सोच रहा हूँ कि भाई मैं तो ख़ुद बलोच हूँ, मैं जाके कुछ सिंधी भाइयों को वो कर लूँ, उससे अलवल कर लूँ, उससे बात कर लूँ कि उनका कल्चर क्या है, उनका कौम क्या है, थोड़ा सा तहजीब के बारे में पूछते हैं। तो मुझे दो भाई दिख रहे हैं, उन लोगों से मैं पूछता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हो भाई? ठीक ठाक खैरियत से? आपका नाम? सुलेमान। आपका नाम? अजी अब्दुल लतीफ। अच्छा, पहले सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ सिंधी कल्चर डे। तो अभी आप अपने कल्चर के बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। जी सर, अगर हम सिंधी कौम की तारीख की बात करें, पहले तो मैं ये पता चाहता हूँ कि कल्चर हम डे मनाते क्यों हैं, ठीक है जी? हम कल्चर डे हम मनाते क्यों हैं, इसकी बेसिक जो वजह ये है कि हम
जो ना अपनी आने वाली जो हमारे नस्लें हैं उनको ये बताना चाहते हैं कि हमारा जो है ना हमारी सकाफत यही है, कल्चर हमारी तहजीब यही है। इसी वजह से हम इसका बेसिकली मकसद इसका ये है कि हम आने वाली नस्लों को ये बताना चाहते हैं असल में। दूसरी बात, अगर सिंधी कौम की बात करें, तहजीब की सकाफत की बात करें, अगर हम बहुत पीछे चले जाएँ सिंध की तहजीब, जिसके ऊपर हम पाकिस्तानियों और इंडिया वालों को सबको जिस तहजीब के ऊपर फ़ख्र है, जिसको हम कहते हैं इंडस सिविलाइजेशन, वो भी बेसिकली उसके वारिस हम आपके सामने खड़े हुए हैं कि हम लोगों ने इंडस सिविलाइजेशन के जो बड़े बड़े शहर, अगर आप जाएँ वहाँ पर देखें, मोहनजोदड़ो हो, हड़ाप्पा या हड़ाप्पा हो या मेहरगढ़ हो, उनके जो वारिस, उनके जो उस तहजीब के जो उन तहजीब वाले जो लोग हैं वो हम हैं असल में। तो हमारी तहजीब बहुत पुरानी है, ठीक है ना। पाकिस्तान हम ऐसे मुल्क में रह रहे हैं जिसमें मुख्तलिफ़ ममालिक का, मुख्तलिफ़ कौमों का यहाँ पर मजमूआ है, जिसमें हम ये नहीं चाहते कि हम उन कौमों के बीच में हमारी सकाफत ख़त्म हो जाए या फिर और इसी वजह से हम ये हमारा जो है बेसिकली हमारा मकसद ये है कि हम ये ऐसे जो है ना सकाफती दिन हम ये दिसंबर को हर साल हम ये जोश खरोश मनाते हैं कि हमारे यहाँ एक कोयटा में दूसरा जगह है नूरी नसीर खान इसको बोलते हैं, तो यहाँ आए हैं, यहाँ टाइम से पहुँचे। जो पहला वाला फंक्शन था प्रेस क्लब कोयटा में, उधर तो हम लोग नहीं पहुँच सके, इधर आए हैं टाइम से, अभी तक कोई नहीं पहुँचा, हम लोग पहले पहुँचे हैं, ये देख सकते हैं। और यह है हमारा गाड़ी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे ठीक ठाक जो है ना। मेहमान खसूसी नहीं आए हैं, हमने बोला कि थोड़ा सा सिंधी कल्चर दिखाया हुआ आप लोगों को। ये मेरे ख्याल से कुछ किताबें हैं सिंधी जबान के बारे में, हाँ ये सिंधी के बारे में कुछ। जी हाँ जी हाँ, जामू, ठीक है, शुक्रिया सिंधी। और इसके बारे में कुछ बताए आप, तो वैसे भी सुमरो ये मेरे ख्याल से आप लोगों के आबाई घर होते हैं सर, ये कल्चर है सिंधी। और ये भाई तस्वीर ले रहे हैं अपना, ऐसा नहीं हो ख़राब हो। अच्छा ये बोल रहे हैं, अच्छा बलोची गिदान इसको बोलते हैं, बलोचिस्तान की पहचान बलोची गिदान ये है। वो हुक्का है और ये आ गए मेहमान खसूसी हैं, मिस्टर जाम कमाल साहब, सीएम साहब। आप लोग देख सकते हैं शानदार तरीके से जो है ना बाल हो चुका है, अभी हम लोग जा रहे हैं अंदर। आपसे सवाल कर लेते हैं कि तब्दीली लाने के लिए बलोचिस्तान में हुकूमत चेंज की गई, कैसी तब्दीली देखी आपने? ये तो आप लोग बताए, देखिए हम तो उन चीज़ों को ज़रा गौर से देख रहे हैं कि वो तब्दीली सरकार जो है वो कहाँ तक चीज़ों को ले जा रही है। लेकिन मैं आपके चैनल की तवसल से ये ज़रूर कहूँगा कि चीज़ों को थोड़ा सीरियस लें, चीज़ों को बिल्कुल छोड़ा गया है, गवर्नमेंट को अपना फंक्शन थोड़ा दुरुस्त करना चाहिए। दोस्त मिठा दिलदार
सब आबाद करी। सोहना मानो डाके हजार सिंधी मान पदला कमाल हो गया नाजी, कमाल हो गया। नाम कमाल साहब है मेरे पीछे और शायर है ये। डीजे का कमरा, डीजे सजाया गया है, डीजे सनी बहुत ही अच्छा बजाता है डीजे यार, बहुत ही प्यारा बजा रहा है। मेरा कुछ जाम कमाल साहब के कुछ फैंस हैं जो कि जाम कमाल के साथ सेल्फी खिंचवा रहे हैं। जाम कमाल के कुछ फैंस हैं जो जाम कमाल के साथ तस्वीरें खिंचवाना चाहते हैं पर इनको नहीं छोड़ा जा रहा। जो मानू भी इन्हें गलत समझे कि भाई असी पाकिस्तान खासकर बलूचिस्तान और सिंध जहाँ हर इलाके जहाँ कल्चर जी नॉमिनेशन है जी डोमिनेशन है और रिप्रेजेंटेशन है इन सिर्फ प्यार मोहब्बत की गाल है। तो आई वुड लाइक टू रियली अप्रीशिएट एंड कॉन्ग्रेचुलेट द जामोट काउंसिल विच हैज रियली Jamot Youth Council, who have really integrated the people of Sindh, the culture of Balochistan, the people of Balochistan, and are sending a message of love and peace. Balochistan, Sindhi culture, Pakistan, Pakistan's culture is all about love. सर मेरा first time है, मुझे बहुत मजा आ रहा है। जाम कमाल साहब के सामने खड़े होकर उनका interview सुनना और उनका video बनाना बहुत ही मजा आ रहा है मुझे। और मुझे भी पता चला है कि छोटी चिड़िया जो क्वेटा में बहुत मशहूर है उनका बड़ा यूट्यूब चैनल है वो भी आए हैं। और यार मैं कह नहीं सका, मैं मेरे साथ लफ्ज़ नहीं है कि मैं कैसे कहूँ कि मुझे कितना मज़ा आ रहा है। और बस थोड़ा सा दुख हो रहा है कि भाई मैं जाम कमाल के साथ नहीं मिल सका, हाथ नहीं मिल सका, नहीं उसके सामने खड़ा हुआ उनके साथ आलावाल नहीं कर सका और हाथ नहीं मिला, बस इस चीज़ का मुझे अफसोस है। और मज़ा आ रहा है, सबसे सिंधी कल्चर में डिसिप्लिन है, इतना शोर शराबा नहीं है, उनका कल्चर सादा है, सीधा है, बहुत मुझे मज़ा आ रहा है। अभी इधर लाइट चली गई है तो जनरेटर को जब तक स्टार्ट करते हैं तो इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे मोबाइल में माइक नहीं है इसलिए उस पास जो आवाज़ का इशू आ रहा था उसकी आज ही तमाम जम्मू कश्मीर में बसने वाले पाकिस्तान के मुबारक हो जो अजरक आज आप जिसके तरह आपको मुझे मुझे मोहब्बत दी है, मेरे पास अल्फाज दी है कि मैं आप हमारे आपके करीब आप लोगों ने नाजरीन देखा क्योंकि मैं बिल्कुल नया नया हूँ, मेरे मुझे अल्फाज ही नहीं निकल रहे थे, इसलिए जो है ना मैंने इन लोगों को बोल दिया कि भाई आप वो कर रहे हैं कुछ बोल दिया, मैंने बोल दिया कसम से मेरे शर्म से सारे सार हो रहे कि मैं बोल नहीं सका और मैं बहुत एक्साइटेड था, बहुत ही नर्वस था। गजब बेइज्जती है यार। अभी हम लोग आए हैं करखसा, ये भी क्वेटा में मौजूद है करखसा। उधर जो है ना फंक्शन में जो है ना मेरा मोबाइल का चार्ज ख़त्म हुआ था, अभी गाड़ी में लगाया था चार्ज करके वापस आया हूँ, पर इन ये पता नहीं किस चीज़ से पैदा है, इनका डांस ही ख़त्म नहीं होता, चाप ही ख़त्म नहीं होता, किधर किधर पता नहीं चाप किया। अरे टेम चाप, अरे टेम चाप,
अभी इधर इतना सर्दी है मेरा खाना ख़राब हो रहा है, मेरा कोट चुरा के खुद पहन के डांस कर रहा है। तो मैं इसलिए जो ना उधर हर वीडियो में एंड बता रहा था कि क्योंकि मेरे मोबाइल में चार्ज नहीं था, मैंने बोला कभी भी बंद हो सकता है, इसलिए अभी फिर से मैंने चार्ज किया, मैंने बोला क्यों ना फिर से शुरू करूँ व्लॉग, बंद ना करूँ इसको, कंटिन्यू करूँ। तो अभी ये देखो ये सब लोग ऐसे डांस कर रहे हैं, चाप कर रहे हैं, खरखसा आए हैं। ये भी बहुत खूबसूरत जगह, एक दिन आऊँगा इधर भी एक व्लॉग बनाना है। और बस इस व्लॉग को अभी इधर ही मैं एंड करना चाहता हूँ। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और जो ना सुबह से निकला हूँ, कुछ भी नहीं कहा है, अभी खाने का मूड था, पर इसलिए लोगों ने बोला पहले इधर आएंगे फिर खाने के लिए जाएंगे। तो बस इस व्लॉग के लिए।